नाम रशीद अहमद है, नदीम कॉलोनी टोली चौकी से बोल रहा हूँ। यहाँ तकरीबन एक दो साल से बच्चे यहाँ पर गांजे मार रहे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। कई वक्त कंप्लेंट कर दिए हम, और आज तो इंतहा कर दिया। वालिद साहब 85 इयर्स के है, ऑब्जेक्शन करे तो उनके हाथ को ज़ख्मी कर दिए और ये हाथ पे उंगलियों पे फ्रैक्चर हो गया पूरा। कौन से एरिया में बैठ रहे हैं लोग? ये यहाँ सामने की गली में है, एरिया का नाम नदीम कॉलोनी तालाब के पास है, शाहदीम तालाब। तकरीबन हमेशा 4 से 5 जने तो रहते हैं हम वहाँ, 4 से 5 जने थे। ये कब से चल रहा है? ये तकरीबन 2 साल 3 साल से चल रहा है। इसको कोई एक्शन नहीं ले रहे हम। तकरीबन मुसलसिल 3 से 4 बार कंप्लेन कर दिए। गोलकुंडा PS है ये। अभी फिलो का आप कंप्लेन देकर आए वहाँ पर? अभी राइट नाउ पुलिस स्टेशन से जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से पुलिस मौका पे यहाँ पे पहुँची, यहाँ पर आई थी। अभी तक पुलिस भी नहीं है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं आप? कंप्लेन कंप्लेन दिए वो लोग, खाली एक नंबर दिए ना आते बोल के बोले, अब तक उन्होंने भी कॉल नहीं करे, फिर हम भी वहीं ठहर ठहर के आए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे कि भाई सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो यहाँ पर। ये सो ये गैर जरूरी जो का एक्टिविटीज़ है इसको बंद कराना चाह रहे हैं हम। ये तकरीबन 4-5 साल से बना दिए, 1 से 4 जाने आ गए। अब 4 से हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक गैंग बैठी हुई रहती है यहाँ पर। बस्ती के बच्चे या बस्ती के बाहर के? तकरीबन लोग बस्ती के छे इसमें। बच्चों की एज तकरीबन है 18 to 25 ईयर्स के बीच के बच्चे हैं। अभी तक आपने एक साल से देखे बोले, अभी तक आप लोगों की फोटो या वीडियो कुछ लिए नहीं लिए ऐसा गांजा मान लेते? महिले के बच्चे हम ताइद कर, मतलब CCTV कैमरे फैसिलिटी है, CCTV कैमरे लगे हुए है। हम महिले के बच्चे ज़्यादा सख्त नहीं कर रहे थे, सख्ती नहीं बरत रहे थे। अभी हम यही चाह रहे कि भाई उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि वाली साहब 85 ईयर से अब इनके ऊपर ऐसा हमला कर रहे तो फिर छोटे बच्चों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसा वो लोग घर पे घुस के मारे या फिर बाहर? नहीं, वाली साहब ऑब्जेक्शन करें यहाँ पर, मत यहाँ हाँ बाहर के रोड पर, यही है, यही रोड है हमारी जो बच्ची बना रही है। नशे की हालत में है वो लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटे बड़े की इज्जत करना। बस उनके ऊपर आए, उनको मारे, चले गए। फिर नदीम कॉलोनी जाते रहे तो हम बच्चों के घर रहे तो सब जा रहे थे, वो बैठ के जो वापस वाला आए, आके देख के जो है गड़बड़ करे। तो किस चीज़ में गड़बड़ करे आपके? मैं बोला भाई क्या टाइम भाई, तुम लोगों को घर नहीं है क्या? घर है नहीं है यहाँ पर? तो नहीं है बोले, तो फिर यहाँ से क्यों आने के बाद? वो लोग कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, वो उसके साथ एक छोटा बटाना था। आज था गांजा माले के थे वो तो गांजा तो बड़ा मारता, छोटा तो अभी मालूम ही नहीं है गांजा के ऊपर कौन हमला करे। तुम्हारा बड़ा नहीं करा वो बड़े वाला जो गांजा पीता? हाँ, नाम से वाकिफ नहीं भाई। मैं नदीम कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे के पास से वापस आ रहा था, वो पीछे से आके मेरा हमला करे वो लोग। कितने लोग थे वो? दो तीन लोग थे, मगर एक तो ज़्यादा ज़्यादा हमला करा मेरे पास। दो तो भाई किधर चले गया नहीं मालूम। भाई क्यों आए इधर, तुम्हारा घर है क्या? तो उसके बावजूद भी बोल रहा नहीं, क्या तुमको कौन होते मेरे पूछने वाले? अरे तू रहने वाला कहाँ कर रहे भाई, किधर रहता तू? तुम कौन बोलने वाले पूछने वाले? ये हाथ को फ्रैक्चर कर दिया, ये हाथ या इंजरी है या फिंगर्स में फ्रैक्चर आ गया। रिपोर्ट ले लेके आए पुलिस स्टेशन जाके। अभी आप अरे चाह रहे क्या भाई, उनको तो कुछ पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। हमको तो जो ऐसा ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आप इसके बाद पुलिस कंप्लेंट? वहाँ से तो आ रहा हूँ हम लोग दोनों तीन लोग। पुलिस वाले आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी तसल्ली दे के भिजा दिए बस, लोग कोई एक्शन नहीं लिए, बस जाइए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ है। हाथ बताइए, बोलिए क्या हो रहा है? सब काम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा मार पड़ी आपको यहाँ पर? कुछ कुछ यहाँ बच्ची हालत में।